वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज क्लियर कर दूं, ये दोनों ही ईयरफोन को मैंने खुद अपने पैसों से परचेस किया है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कमेंट में आके बोलते हैं कि भाई इसको जो है OnePlus ने पैसे दिए वगैरह वगैरह। मेरे भाई सब्सक्राइबर जाके देखो मुझे क्यों OnePlus जो है पैसे देगा। तो जो भी मैं इस वीडियो में बोलने वाला हूं, वो मैं ऑनेस्टली बोलने वाला हूं। जो चीजें मुझे अच्छी लगी है इन दोनों ईयरफोन के बारे में उसके बारे में अच्छा बोलूंगा, जो बुरा लगा है वो बुरा बोलूंगा। तो प्लीज वीडियो को आगे जाके एंजॉय कीजिए। हे गाइज, माई नेम इज नमन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज, हमारे इस चैनल पे आज तक मुझे इतनी रिक्वेस्ट नहीं आई है जितनी इन दोनों ही ईयरफोन के कंपैरिजन को लेकर आई है। यस, वन प्लस बुलेट वायरलेस जी वर्सेस ओप्पो एनको M31, दोनों ही ईयरफोन काफ़ी कमाल के हैं। यस, मैं थोड़ा सा जो है लेट हो चुका हूँ इनके कंपैरिजन को लेकर, क्योंकि मैं इन दोनों को काफ़ी डिटेल में और डेप्थ में जाके यूज़ कर रहा था। और मैं आप लोगों को बता दूँ, ये दोनों ही ईयरफोन अंडर 2000 रुपीज़ सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन दोनों ही ईयरफोन में प्रोज और कॉन्स दोनों ही है, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो गाइस, आप लोग आराम से बैठ जाओ, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बस एक काम करना है आप लोगों को, इस वीडियो को 900 लाइक तक लेकर जाना है। आई नो आप लोग लेके जाओगे, नीचे लाइक का बटन इसको प्रेस कर दो। और अगर आप लोग पहली बार हमारे इस चैनल की वीडियो देख रहे हो तो गाइस सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं लेकर आता रहता हूं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इन दोनों ही ईयरफोन की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन से। तो दोनों ही ईयरफोन जो है नेकबैंड स्टाइल में आपको मिल जाते हैं। नेकबैंड की जो क्वालिटी है वो दोनों की ही मुझे सिमिलर लगी है, लाइक सिलिकन रबर जो है आपको मिल जाता है। और सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी है कि भाई काफी सॉफ्ट है, यानी इनको जो है आप आराम से ऐसे फोल्ड करके रख सकते हो, ऐसे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पॉकेट वगैरह में रखना हो फिर भी जो है आप ऐसे इतने साइज के छोटे ये हो जाते हैं, तो ये चीज मुझे काफी बढ़िया लगी है। वहीं अगर बात करें इनके मॉड्यूल्स के बारे में, तो गाइस OnePlus का जो मॉड्यूल है वो थोड़ा साइज में बड़ा है, वहीं पे Oppo का जो मॉड्यूल है वो थोड़ा छोटा है। लेकिन दोनों की क्वालिटी जो है वो प्लास्टिक की है, मेटल वगैरह ऐसा कुछ यूज नहीं हुआ है, प्लास्टिक की क्वालिटी में आ जाता है। लेकिन Oppo के जो मॉड्यूल्स हैं उनमें जो है आपको बटन्स मॉड्यूल्स में ही मिल जाते हैं, यानी कंट्रोलर्स वगैरह, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन और मल्टी फंक्शन वाला बटन भी मिल जाता है। वहीं पे टाइप सी का पोर्ट भी जो है आपको मॉड्यूल में मिल जाता है। और वहीं OnePlus के जो कंट्रोलर है वो मॉड्यूल में नहीं दिए गए हैं, इसको अलग से वायर के बीच में दिया गया है। और मेरे हिसाब से OnePlus के जो कंट्रोलर है वो मुझे ज्यादा बेटर लगे हैं। उसका रीजन ये है कि इनके बटन्स जो है वो काफी टैक्टाइल है as compared to Oppo के ईयरफोन्स, क्योंकि जब आप प्रेस करते हो OnePlus के ईयरफोन के बटन्स को तो आपको थोड़ा अच्छा सा फीडबैक मिल जाता है। वहीं पे Oppo के बटन जो है थोड़े से मुझे टाइट लगे। ऐसे प्रॉब्लम जो है दोनों में ही बटन्स में नहीं है, बट अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो मुझे OnePlus के जो है ज्यादा बेटर लगे। और वायर में कंट्रोलर होने का एक और फायदा ये है कि भाई इसमें जो है आपको माइक भी मिल जाता है, जो आपके माउथ के काफी पास आ जाता है as compared to Oppo, क्योंकि Oppo में जो है मॉड्यूल में ही माइक दिया गया है। अब आगे बढ़े और बात करें वायर्स की, तो दोनों की ही क्वालिटी जो है सिमिलर है, कोई भी इतने मुझे चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। लेकिन जॉइंट्स में जो है मुझे थोड़े चेंजेस लगे हैं, मुझे OnePlus के जो जॉइंट्स है वायर के वो ज्यादा बेटर लगे हैं, अलग से जो है इसमें रबर दिया गया है। वहीं पे Oppo में ऐसी कोई चीज जो है आपको नहीं देखने को मिलेगी। ईयरबड्स की बात करें तो गाइस क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि Oppo के जो ईयरबड्स हैं वो उनका साइज जो है काफी छोटा है as compared to OnePlus के ईयरबड्स। दोनों की क्वालिटी प्लास्टिक मटेरियल में है और जब इन दोनों को आप पहनते हो तो काफी अच्छा कंफर्ट दे देते हैं, क्योंकि ये थोड़े थोड़े से टिल्टेड है। अगर मैं बात करूं कंफर्ट की, तो दोनों का ही कंफर्ट मुझे जो है सॉर्ट ऑफ सेम ही लगा है। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है, वो ये कि भाई Oppo के जो ईयरफोन है इनका वेट ओवरऑल काफी लाइट है as compared to OnePlus। जब मैंने OnePlus का जो है रिव्यू किया था, कंपैरिजन किया था Realme के साथ में, तो उस वीडियो में मैंने बोला था कि भाई OnePlus का जो ओवरऑल वेट है वो काफी लाइट है, लेकिन जब मैंने इसको कंपेयर किया Oppo के साथ में तो भाई Oppo का इससे भी लाइट है। तो आप समझ सकते हैं कि भाई Oppo काफी जो है कंफर्टेबल है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि जब मैं इसको पहन के रखता हूँ और ईयरबड्स को मैंने अपने कान में लगाए हैं, तो कुछ देर बाद जो है मेरे को पता भी नहीं पड़ता है कि भाई कान में ईयरबड्स हैं, क्योंकि इनके ईयरबड का भी साइज जो है काफी लाइक छोटा है, प्लस वेट भी काफी कम है। तो ओवरऑल अगर मैं बिल्ड क्वालिटी डिजाइन की बात करूं, तो इतने कोई ज्यादा चेंजेस दोनों में ही मुझे नहीं लगे हैं। बस ये कि भाई Oppo का जो ईयरफोन है वो दिखने में मुझे ज्यादा बेटर लगा है as compared to OnePlus, क्योंकि इसमें गोल्डन फिनिश आपको मिल जाती है जो ग्रीन कलर के साथ में काफी प्रीमियम लगती है। इन दोनों में आपको जो है कोई डेडिकेटेड ऑन ऑफ का बटन नहीं दिया गया है, अगर आपको ऑन ऑफ करना है तो आपको जो है इन ईयरबड्स के थ्रू ही करना पड़ेगा। तो ये चीज मुझे काफी बढ़िया लगी है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है, वो ये कि जब आप Oppo के ईयरफोन को यूज करोगे, इसको आपने डिटैच कर दिया, आप अगर कोई म्यूजिक सुन रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगा, और अगर आप इसको जो है अटैच कर देते हो तो म्यूजिक जो है वो पॉज हो जाएगा। तो ये जो चीज है वो सारे फोन में काम करती है, इसके लिए आपको कोई Oppo का फोन होना ही जरूरी नहीं है। मैंने अपने OnePlus में भी इसको यूज किया, अपने iPad में भी यूज किया है, काफी अच्छे तरीके से ऑटो प्ले पॉज जो है काम करता है। लेकिन OnePlus के ईयरफोन को जब मैंने अपने OnePlus में यूज किया है,
तो ऑटो प्ले पॉज काम कर रहा है, लेकिन जब इसको मैंने अपने आईपैड में यूज़ किया या फिर रेडमी नोट 9 प्रो में यूज़ किया है तो वहाँ पे जो है वो फंक्शनैलिटी काम नहीं कर रही है। तो ये जो चीज़ है एक थोड़ा सा कह सकते हैं कि आपको कौन जो है इसमें ईयरफोन में देखने को मिल जाता है जो ओप्पो के ईयरफोन में नहीं है। लेकिन वन प्लस ने अपने ईयरफोन में एक एक्स्ट्रा बटन आप लोगों को दिया है, उस बटन को उन्होंने क्विक स्विच वाला बटन कहा है। यानी ये डिवाइस जब आपके दो फोन से कनेक्ट होगा या दो डिवाइसेस से कनेक्ट होगा, मान लो आपके फोन से कनेक्ट है और आपके लैपटॉप से कनेक्ट है, अगर आप लैपटॉप में जो है इसको यूज करना चाहते हो तो आपको डबल बार प्रेस करना है, तो ये फोन से डिस्कनेक्ट होकर तुरंत के तुरंत जो है लैपटॉप में कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके का क्विक स्विच वाला आपको बटन मिल जाता है, जो मुझे पर्सनली काफी पसंद आया है क्योंकि मैं अपने आईपैड से जो है इसको कनेक्ट करके रखा हूं, प्लस अपने फोन से कनेक्ट कर रखा हूं, तो मुझे ब्लूटूथ सेटिंग्स में जाके इसको फिर से कनेक्ट नहीं करना पड़ता है, मुझे बस इसको डबल बार प्रेस करना पड़ता है। वहीं अगर मैं ओप्पो की बात करूं तो ऐसी कोई फंक्शनैलिटी आपको इसमें नहीं मिलेगी। यस, इसको आप दो डिवाइस में कनेक्ट कर तो सकते हो लेकिन स्विच नहीं कर सकते हो, स्विच के लिए आपको एक डिवाइस को जो है डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये एक्स्ट्रा फीचर आपको वन प्लस के ईयरफोन में मिल जाता है। तो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी इन दोनों की साउंड क्वालिटी के बारे में। तो गाइस ओप्पो ईयरफोन्स में आपको जो है एल्डेक साउंड कोडिंग मिल जाती है, वहीं वन प्लस में आपको AAC साउंड कोडिंग मिलती है। कौन सी बेटर है, क्लियरली मैं आपको बताता हूं, एल्डेक जो है वो ज्यादा बेटर है और एडवांस है, जो आपको हाई रेजोल्यूशन साउंड दे देता है। एल्डेक को जो है सोनी ने डेवलप किया था, इनका जो है खुद का कोडेक था लेकिन उसको ओपन सोर्स बना दिया गया है, जो बाकी की डिवाइस में अब जो है इंप्लीमेंट हो रहा है। अगर आपके फोन में जो है एल्डेक का सपोर्ट है तभी आप इन ईयरफोन्स को परचेस करना। उसका रीजन ये है क्योंकि एल्डेक में जब मैंने साउंड सुना है तब भाई बहुत ही कमाल का साउंड जो है मिला है, अलग ही एक्सपीरियंस जो है आपको मिल जाता है। और इवन इन ईयरफोन्स को आप 960 kbps तक जो है लेके जा सकते हो, बाय डिफॉल्ट 320 kbps तक जो है आप म्यूजिक को एंजॉय करते हो, लेकिन डेवलपर ऑप्शन में जैसे ही आप जाते हो वहां पे 960 तक का जो है मेरे फोन में ऑप्शन दे दिया है। तो आपको जाके चेक करना है आपके फोन के बारे में कि एल्डेक सपोर्ट करता है या नहीं करता है। वैसे एल्डेक की बात करूं तो भाई एंड्रॉइड ओरियो के बाद से जो है जितने भी डिवाइसेज है उन सब में जो है एल्डेक का सपोर्ट आ गया था। अगर मैं बात करूं AAC के बारे में तो गाइस ये कोडिंग भी काफी बढ़िया है, लाइक MP3 के बाद का सक्सेसर जो है AAC को कहते हैं, लेकिन एल्डेक की जो साउंड कोडिंग है वो ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू AAC। ये तो हो गई भाई टेक्निकल बात। अब अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो भाई ओप्पो के ईयरफोन को जब मैंने सुना इनका साउंड, तो साउंड की क्वालिटी जो है वो काफी प्रीमियम लगी। आपको इसमें बेस तो काफी अच्छा मिल जाता है लेकिन इंस्ट्रूमेंट क्या बज रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी बेस बहुत ज्यादा हो जाता है जिसके कारण इंस्ट्रूमेंट में जो भी चीजें हो रही है वो हमें कुछ समझ में नहीं आती है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज नहीं है। एक एक इंस्ट्रूमेंट, चाहे आप पॉप म्यूजिक सुन रहे हो या फिर EDM वगैरह सुन रहे हो, ट्रांस सुन रहे हो, सब में जो है आपको काफी कमाल का ऑडियो एक्सपीरियंस मिल जाता है। वन प्लस के ईयरफोन के थ्रू भी जो है मुझे काफी अच्छा म्यूजिक एक्सपीरियंस लगा है। मैंने स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, यूट्यूब सब कुछ जो है अच्छे से इंजॉय किया है, मुझे इतने कोई मेजर चेंजेस नहीं लगे। लाइक इन ईयरफोन्स को आप यूज करते हो तो लंबे टाइम तक जो है आप पहन के रख सकते हो, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एल्टेक कोडिंग के कारण फॉर श्योर ओप्पो के जो ईयरफोन्स है वो ज्यादा बेटर साउंड करते हैं, बट बहुत ही बड़ा बट है वो इसलिए क्योंकि इसमें एल्डेक है तो बैटरी लाइफ इसमें काफ़ी कम मिल जाती है। लाइक 6 से 6.5 घंटे तक का जो है कंटिन्यू म्यूजिक प्लेबैक टाइम दे देता है, जो काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू वन प्लस ईयरफोन्स, क्योंकि वन प्लस का जो ईयरफोन है उसने मुझे 1.5 दिन तक जो है बैटरी लाइफ दी है। तो साउंड क्वालिटी में मैं क्लियरली बता देता हूँ ओप्पो की ईयरफोन्स ज़्यादा बेटर है, लेकिन बैटरी लाइफ जो है वो ओप्पो के ईयरफोन्स में कम मिल जाती है एल्डेक के कारण। और अगर आपको काफ़ी कमाल की बैटरी लाइफ चाहिए, लाइक आप 1.5-2 दिन तक आराम से चला सकते हो, तो वन प्लस की ईयरफोन को मैं ज़्यादा बेटर मानूंगा। और अगर मैं चार्जिंग टाइम की बात करूं तो यहां पे OnePlus का जो ईयरफोन है, अगर आपके पास वूप चार्जर, फास्ट चार्जर है या फिर नहीं है, उससे कोई भी मतलब नहीं होगा। मैं क्लियरली आप लोगों को फिर से बता रहा हूं क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि भाई इसके लिए फास्ट चार्जर चाहिए होगा, ऐसा वैसा, ऐसा कोई भी सीन नहीं है। आप नॉर्मल चार्जर से भी जो है इसको चार्ज कर सकते हो, 20 से 25 मिनट में जो है ये फुल चार्ज हो जाता है, जो बहुत ही बड़ी बात है। और अगर मैं ओप्पो के ईयरफोन की बात करूं तो भाई यहां पे जो है आपको कोई फास्ट चार्जिंग का सिस्टम नहीं मिलता है, इसको जो है चार्ज करने में मुझे 40 से 45 मिनट फुल चार्ज करने में, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं लेटेंसी की, तो गाइस इन दोनों का ही जो है मैंने अच्छे से गेम प्ले करके टेस्ट किया है और आप लोगों के लिए भी जो है मैं लाइव गेम टेस्टिंग लेकर आया हूं, तो प्लीज आप पहले इसको सुन लीजिए उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो मैंने इन ईयरफोन्स के जो स्पीकर्स हैं वो अपने माइक के पास रख दिए ताकि आप लोगों को ऑडियो अच्छे से आए। अब यहां पे मैं बटन को जो है प्रेस करता हूं और देखते हैं कितने देर बाद जो है साउंड जाता है, क्या लेटेंसी मिल रही है। अब थोड़ा रेगुलर मैं बटन प्रेस करके रखता हूं, अब मैं थोड़ा रेगुलर गन चला के देखता हूं,
आपने इन दोनों ही ईयरफोन की लेटेंसी सुन ली, आप प्लीज मुझे कमेंट करना कि आपको जो है किस ईयरफोन में कम लेटेंसी फील हुई है। अब अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो भाई OnePlus के ईयरफोन में आपको लेटेंसी मोड मिल जाता है, लेकिन ये लेटेंसी मोड काम करता है सिर्फ और सिर्फ OnePlus के फोन में, क्योंकि उनमें जो है आपको फेनेटिक मोड मिलता है। इसको जो है मैंने दोनों ही डिवाइसेस में यूज किया है। पहले OnePlus के डिवाइस की बात करूं तो भाई काफी कमाल की लेटेंसी है, लाइक बहुत ही कम मिल जाती है, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अच्छे से खेल सकते हो। लेकिन जब इसको जो है मैंने रेगुलर एंड्रॉइड डिवाइस में यूज किया है तो वहां पे भी मुझे लेटेंसी इतनी कोई ज्यादा नहीं मिली है, कुछ जो है मिली सेकंड का मुझे फर्क मिला है, लेकिन बहुत ही कमाल की लेटेंसी जो है मुझे इसके बाकी डिवाइसेस में दी है। मैंने आईपैड और Redmi Note 9 Pro में इसको यूज करके दिखा है तो मैं काफी इंप्रेस हुआ हूं। अब अगर ओप्पो की बात करूं तो भाई यहां पे आपको कोई भी लो लेटेंसी मोड वगैरह नहीं मिलता है, और LDAC का ऐसा कहा जाता है कि भाई LDAC में जो है आपको लेटेंसी थोड़ी ज्यादा मिल जाती है, जो चीज मैंने पर्सनली फील की है। जब मैंने PUBG खेला है तो भाई यहां पे जो है आपको काफी अच्छा जो है ऑडियो गैप मिल जाता है, लाइक मैं शूट कर रहा हूं उसके बाद जो है मुझे आवाज आ रही है। तो गाइस लेटेंसी के मामले में मैं क्लियरली OnePlus के ईयरफोन को ज्यादा बेटर मानूंगा। तो अब बात करते हैं दोनों ही ईयरफोन की माइक क्वालिटी के बारे में, यानी कॉल क्वालिटी के बारे में, और दोनों ही ईयरफोन्स का मैंने सेपरेट रिव्यू बनाया है और उन दोनों ही रिव्यूज में मैंने लाइव कॉल क्वालिटी जो है टेस्ट करी है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है उन दोनों की लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज जाके चेकआउट करो। मैंने लाइव कॉल क्वालिटी जो है अपने फ्रेंड को कॉल करके आप लोगों को बताया है कि किस तरह की कॉल क्वालिटी आपको मिल जाती है। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो भाई मुझे OnePlus के ईयरफोन की कॉल क्वालिटी ज्यादा बेटर लगी है। उसका रीजन ये है कि भाई माइक जो है वो आपके माउथ के काफी पास आ जाता है, और ओप्पो की अगर मैं बात करूं तो नॉइस कैंसिलेशन मुझे इतना ज्यादा बेटर नहीं लगा है। अगर आप वो वीडियो चेकआउट करोगे तो आपको जो है क्लियरली समझ में आ जाएगा। और ओप्पो के ईयरफोन में जो है आपको थोड़ा सा लाउड बोलना पड़ता है क्योंकि माइक जो है वो मॉड्यूल में दिए गए हैं, ऐसी कोई शिकायत आपको OnePlus के ईयरफोन में नहीं होती है। तो अब मैं अगर अपने फाइनल वर्डिक्ट बता दूं तो दोनों ही ईयरफोन में जो है इतने कोई मेजर चेंजेस नहीं फील हुए हैं। जहां पे आपको ओप्पो के ईयरफोन में काफी बेहतरीन साउंड क्वालिटी मिल जाती है, LDAC का जो है सपोर्ट मिल जाता है, वो चीज जो है OnePlus के ईयरफोन में मिसिंग है। लेकिन OnePlus में जो आपको बैटरी लाइफ मिलती है और चार्जिंग स्पीड मिलती है वो ओप्पो के ईयरफोन में जो है मिसिंग है। तो अब आप लोगों को जज करना है कि आपको क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों के लिए साउंड क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो मैं आप लोगों को ओपनली बोलूंगा कि आप ओप्पो के ईयरफोन को परचेस कर लो, लेकिन अगर आप उनमें से है जिनके लिए साउंड क्वालिटी थोड़ी सी कम हो तो चलेगा, लेकिन बैटरी लाइफ काफी अच्छी होनी चाहिए, प्लस लेटेंसी जो है वो भी मैटर करती है, तो मैं आप लोगों को OnePlus के ईयरफोन के लिए सजेस्ट करूंगा। तो गाइस मैंने ऑनेस्टली इन दोनों ईयरफोन का कंपैरिजन कर दिया है, अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के यूजर हैं। तो प्लीज मुझे कमेंट करना कि आपको इन दोनों में से कौन सा ईयरफोन ज्यादा बेटर लगा है, और अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई भी डाउट है तो आप हमें सोशल मीडिया पे जो है फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम और ट्विटर दोनों पे जो है मैं अवेलेबल हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाके हमें फॉलो करो, और कोई भी डाउट हो तो डीएम करो। प्लस इस वीडियो को आप लोगों को जो है 900 लाइक तक लेके जाना है, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था लाइक करके जाना, और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना गाइस, क्योंकि ऐसी डिटेल रिव्यू लाने में मैं बिलीव करता हूं। तो गाइस इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।